हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज लाया हूं टेक न्यूज़ नंबर 12। तो शुरू करते हैं टेक न्यूज़। तो पहली खबर की बात की जाए, ऑनर 20S आज आ रहा है चाइना में 9 बजे और इंडिया के नियर अबाउट 6:30 बजे। तो जब तक मैं ये न्यूज़ बना रहा हूँ तब तक लॉन्च हो चुका होगा। उसकी न्यूज़ आई है कि शायद वो 25,000 पे लॉन्च होगा। किरिन 810 का प्रोसेसर आएगा, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 48 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा, 3750 mAh की बैटरी, 20 वॉट का फास्ट चार्जर। तो मेरे को लगा थोड़ा इसको प्राइस ज़्यादा है, 20,000 तक आता तो बहुत बढ़िया रहता। बाकी देखते हैं ऑफिशियल क्या प्राइस आता है, उसके अनबॉक्सिंग लाने की जल्दी कोशिश करूँगा। अनबॉक्सिंग से याद आया, मेरे पास रेडमी जो गिव अवे के लिए रखा था वो आ गया है। तो ये वाइट कलर है, ये ग्रीन कलर है। तो भाई अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो आज की वीडियो देख लीजिए और उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, शायद आप लकी हो सकते हैं। ऑनर 8X का भी गिवअवे चल रहा है, रेडमी नोट 8 प्रो का भी गिवअवे चल रहा है। उसके बाद कल एक और अनबॉक्सिंग आएगी और उसके बाद एक और अनबॉक्सिंग आएगी, तो शायद 2 गिवअवे और आ सकते हैं। अमेज़फिट की जो वॉच, काफ़ी लोगों ने वोट किया था, नियर अबाउट 80% लोगों ने कहा था कि भाई ये वॉच की अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं, तो शायद मैं इसका भी गिवअवे रख दूंगा। तो भाई इस मंथ काफ़ी गिवअवे आएंगे, तो भाई रेगुलर बने रहो, सपोर्ट दिखाओ अपना, मैं भी आपको अपना सपोर्ट दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो इसी इवेंट में ऑनर प्ले 3 भी अनाउंस होगा या लॉन्च होगा, देखते हैं। किरिन 810 या 980 के बीच में ये आ सकता है, जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ऑनर प्ले बहुत बढ़िया फ़ोन था, 20,000 में आया था। ऑनर प्ले 3 भी 20,000 में आने के चांसेस हैं, तो देखते हैं आज के इवेंट में क्या होगा, कल आपको उसकी लेटेस्ट न्यूज़ दूंगा। नेक्स्ट है ऑनर बैंड 5। ऑनर बैंड 5 भी आज के इवेंट में लॉन्च होगा। इसमें एक स्पेशल एडिशन आएगा, बास्केटबॉल वर्जन एंड मैकग्रेडी। तो जो बास्केटबॉल खेलते हैं उनके लिए स्पेशल वर्जन ला रहे हैं ऑनर बैंड 5 में। तो काफ़ी कुछ होगा इसमें, इसकी भी अनबॉक्सिंग मिली तो टाइम लगा तो कर देंगे। तो ऑनर मैजिक प्रो भी लॉन्च होगा आज। तो वैसे मुझे ऑनर के लैपटॉप इतने पसंद नहीं है, हुआवे और ऑनर भी लैपटॉप निकालता है, क्योंकि जो चीज़ देता है वही हमें शाओमी बहुत सस्ते में देता है। जैसे मेरे पास रेडमी बुक है, इसकी कॉस्ट नियर अबाउट 45,000 है। अगर हम यही शाओमी ऑनर या हुआवे का ले दो 50+ होती है। तो इस करके मैं इतना प्रेफर नहीं करता ऑनर के लैपटॉप। तो नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो कल आ रहा है रियलमी क्यू। तो कल 3 बजे दोपहर के, मतलब इंडिया के 12:30 बजे लॉन्च हो जाएगा रियलमी क्यू। स्नैपड्रैगन 712, UFS 2.1 फ्लैश, क्वाड कैमरा होगा 4, 48 मेगापिक्सल का भी होगा इसमें, 4035 mAh की बैटरी, 20 वॉट का ये फास्ट वूक चार्जर होगा टाइप सी। काफ़ी हद तक रियलमी 5 प्रो लग रहा है, मगर बस ये अजीब लग रहा है कि 9,000 में या 10,000 में कैसे हो सकते हैं, क्योंकि 3 डिजिट दिखा रहे हैं इसमें, इसके लॉन्च पिक्चर पोस्टर में। तो मे बी रियलमी 5 प्रो हो, देखते हैं कल पता चल जाएगा। अगर रियलमी 5 प्रो होगा तो बहुत डिफरेंस होगा इंडिया और चाइना के प्राइस में। बाकी रियलमी चाइना में अपना पैर घुसाना चाहता है कि लोग उसको लाइक करना शुरू करें, तो शायद मे बी प्राइस काफ़ी बढ़िया निकाल लेंगे। और शायद कल रियलमी XT के बारे में भी पता चल जाएगा, तो उसकी न्यूज़ कल तक वेट कीजिए। रेडमी K20 प्रो हमारा होगा पहला शाओमी का फ़ोन या रेडमी का फ़ोन जिसमें एंड्रॉयड क्यू, एंड्रॉयड 10 आएगा। आज लियू वेबिंग ने ये पोस्ट करके कन्फर्म किया है, तो बाकी भी धीरे धीरे अपडेट होंगे, मगर सबसे पहले रेडमी K20 प्रो में होगा। OnePlus 7 एंड OnePlus 7 Pro में भी एंड्रॉयड 10 का बेटा कन्फर्म कर दिया है, तो वो भी जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की तो Xiaomi की है, Mi 10 आएगा स्नैपड्रैगन 865 के साथ। 5G फ़ोन होगा, ये पहला फ़ोन हो सकता है जो स्नैपड्रैगन 865 के साथ है। दिसंबर या नवंबर में आने के चांसेस हैं, तो मेरे को बहुत एक्साइटमेंट है इस फ़ोन की, क्योंकि शायद इसमें भी 100 मेगापिक्सल का कैमरा हो सकता है या मे बी 64 मेगापिक्सल का। अभी कुछ कह नहीं सकते, मगर लीक्स में दोनों में से र्यूमर्स आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 108 मेगापिक्सल, कुछ कह रहे हैं 64 मेगापिक्सल। मी सीरीज़ के फ़ोन बहुत बढ़िया होते हैं, मैं मी 9 यूज़ कर रहा हूँ, मैंने मी 8 यूज़ किया है, मुझे बहुत बढ़िया फ़ोन लगे। बस ये इंडिया में लॉन्च नहीं करते, पता नहीं क्यों, पर फ़ोन काफ़ी वर्थ होते हैं। उसके बाद न्यूज़ की बात की जाए तो गूगल पिक्सल 4 जो आ रहा है अक्टूबर में, तो उसको पास हुआ है, FCC सर्टिफिकेट पास हुआ है। 2 फोन्स आएंगे इसके, एक 5.7 इंच का होगा, एक 6.3 इंच का होगा। 5.7 इंच फुल HD प्लस होगा और जो 6.3 इंच होगा वो क्वाड HD प्लस प्लस OLED डिस्प्ले होगा। 90Hz रिफ्रेश रेट मिलेगा इसमें आपको। स्नैपड्रैगन 855, 6GB रैम, जो छोटा मॉडल है 5.7 इंच का उसमें होगा 2800 mAh की बैटरी, बहुत कम है। दूसरे में है 3700 mAh। एंड्रॉयड 10 के साथ ये फ़ोन आएगा, डुअल कैमरा होगा 12 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल का। पिक्सल फ़ोन बढ़िया होते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, मगर काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के होते हैं। तो
Mix 4, तो Mix 4 के काफी अब रूमर्स तेज हो गए हैं, 24 तारीख को आने के काफी चांसेस है, मैंने 2 या 3 दिन पहले आपको बताया था न्यूज में। तो मगर एक चीज आ रही है कि Mix 4 का शायद नाम हो जाए चेंज, क्योंकि Mix 4 चाइना में थोड़ा शोर, किसी ने कॉपीराइट किया था कि मिक्स, उसने अपना पेटेंट पहले फाइल किया था मिक्स सीरीज आने से पहले, तो वो केस शायद जीत गया है जुलाई में, तो वो थोड़ा इनका सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अगर वो नहीं हुआ तो शाओमी को अपना मिक्स सीरीज का नाम चेंज करना पड़ेगा। तो देखते हैं मिक्स 4 में आता है या कोई नए नाम से आता है, 24 तारीख को हमें पता चल जाएगा। स्टे ट्यून, अनबॉक्सिंग जरूर आएगी उसकी भी। तो नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो USB 4 2020 के एंड तक आने के चांसेस हैं। उसका आज कहा है ट्रांसमिशन स्पीड 40 GB/s होगा, तो बहुत ही तेज़ होगी, और कह रहे हैं ये सिर्फ टाइप सी सपोर्ट करेगा, और ट्वाइस स्पीड होगी इसकी जो USB 3 है इस टाइम की लेटेस्ट वर्जन, और जो USB 3 स्टैंडर्ड वर्जन है उसकी ये 8 गुना तेज। तो काफ़ी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है डे बाय डे, आप देख सकते हैं हर चीज़ महीनों में बढ़ रही है। 48 मेगापिक्सल कैमरा आया था, 64 साथ ही आ गया, 108 मेगापिक्सल की बातें होने शुरू हो रही हैं। तो आज की न्यूज़ में इतना ही, बढ़िया लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। गिव अवे की 2 वीडियोस ऑन हैं, 2 आने वाली हैं, तो भाई स्टे ट्यून ऑन माई चैनल, और बढ़िया लगे कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।